एडजेक्टिव का पांचवा प्रकार है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन की ओर संकेत करता है। इसके लिए चार वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसका उदाहरण देखिए, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, यह लड़का मेरा दोस्त है। इसमें दिस शब्द देखिए बॉय की ओर इशारा कर रहा है कि बॉय ये जो नाउन है ये कौन सा लड़का है, मीन्स दिस बॉय। तो दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल है दोज बॉयज वर्क हार्ड, वे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं। इसमें देखिए बॉयज क्या है, नाउन है, और इन बॉयज की तरफ इशारा कर रहा है ये दोज शब्द। दोज शब्द ये बता रहा है कि वे लड़के। तो इस तरह से ये दोज जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखते हैं इसका छठवां प्रकार है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर के प्रश्न पूछने का काम करता है, और इसमें हम डब्ल्यू एच वाले शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है, जैसे व्हाट, विच, हू, वेयर। अब देखिए इसका उदाहरण है हूज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। इसमें देखिए पेन शब्द जो है वो नाउन है, और ये पेन किसकी है ये शब्द बता रहा है हूज हमको। तो इस तरह से हूज इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए है विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा खेल तुमको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। इसमें गेम शब्द देखिए नाउन है, और इस नाउन से प्रश्न पूछ रहा है विच शब्द की कौन सा गेम। तो इस तरह से विच शब्द जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए बच्चों अगला इसका प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब ये ईच शब्द, एवरी शब्द, आइदर शब्द और नाइदर शब्द नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण है एवरी बॉय इज इन हिज यूनिफॉर्म, प्रत्येक लड़का अपनी यूनिफॉर्म में है। तो ये नाउन है, और इस नाउन के ठीक पहले ये एवरी शब्द आ जाए। तो इस तरह से ये एवरी शब्द यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दूसरा उदाहरण देखिए ईच विनर गॉट अ प्राइज, प्रत्येक विजेता को पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर देखिए विनर नाउन शब्द है, और इस विनर के ठीक पहले ईच शब्द आया है। इस तरह से ईच शब्द यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है।